दोस्तों मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है मुंबई में आज समाप्त हो चुका है। आज हमारे साथ बॉलीवुड का एक ऐसा अनमोल सितारा मौजूद है जिसने बहुत ही कम समय में उन ऊंचाइयों को छुआ है जिसके लिए हम और आप शायद कई साल लगा देते हैं। आइए बातचीत करते हैं स्वरा भास्कर से। स्वरा, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा जो आपने इतनी सादगी के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ ये इवेंट जो है हैंडल किया। एक हफ्ते का सफ़र, पहले दिन भी आप ओपनिंग में भी थी, क्लोजिंग में भी, ये कैसा सफ़र रहा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव? बहुत बेहतरीन रहा है। मुझे लगता है कि ये जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है ये एक बहुत ही सराहनीय प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा है कि फिल्म्स डिवीजन और गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन ऐसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। लोगों के लिए, आम जनता के लिए एक ऐसा स्पेस, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों आजकल, मतलब इंडिया में बहुत सारे सिनेमाघर हैं और मल्टीप्लेक्सेस हैं, और लेकिन हम वो जो जगह होती है ना एक पब्लिक कल्चर की, जहाँ बिना पैसे दिए हुए आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, वो स्पेस मुझे लगता है घटता जा रहा है। इसलिए ऐसे फेस्टिवल्स बहुत और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनके मायने बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हफ्ता बहुत बेहतरीन रहा है, बहुत रोमांचक रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, कुछ एक मैंने भी देखी। मेरे लिए ये पहला होस्ट करने का मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मेरे लिए बड़ा स्पेशल है कि ये फिल्म्स डिवीजन के तहत मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए था। इतने महान महान हस्ती आए यहाँ पे अपना सपोर्ट देने, श्याम बाबू हों, अदूर जी हों, पी के नायर जैसे लोग, इतने सारे लोग हैं, गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट था, गवर्नर महाराष्ट्र आए थे ओपनिंग में, तो मुझे लगता है कि ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा रहा। वही दर्शक भी यही जानना चाहेंगे कि एक्टिंग से और जो ये लाइव शोज जो इवेंट हैं वो आप हैंडल कर रहे हैं, तो ये जो बीच का सफ़र है ये कैसे तय किया? डेफिनेटली मुझे लगता है कि लाइव शोज़ का अपना अपना चैलेंज होता है, वो एक्चुअली अक्सर मुश्किल भी होते हैं क्योंकि ऑन द स्पॉट होता है, कोई रीटेक का मौका नहीं मिलता। आई थिंक हम फिल्म एक्टर्स को रीटेक की आदत पड़ जाती है तो हम थोड़े बिगड़ जाते हैं। बट चूंकि मैंने थिएटर भी किया हुआ है तो एक लाइव ऑडियंस को हैंडल करना थोड़ा बहुत उसका एक्सपीरियंस है, और मुझे हमेशा लगता है कि ये शायद ख़राब शब्द है लेकिन एक एक्टर की औकात लाइव ऑडियंस के इंटरेक्शन के साथ पता चलती है। और हमारी इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स, मैं बोलूँगी सिर्फ एक्टर ही नहीं, परफॉर्मर्स में से जो हैं, जैसे कि चाहे वो शाहरुख खान हो या वो बहुत सारे और लोग, वो लाइव इंटरेक्शंस में बहुत बहुत ही अच्छा और बेहतरीन करते हैं। तो हाल ही में आपको रंजना के लिए अवार्ड्स भी मिले, उसके बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। उसके बारे में मैं बस ये कहना चाहूँगी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जी मुझे रांझना के लिए स्क्रीन अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में और जी सिने अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में मिला है। मुझे सारे अवार्ड्स में नॉमिनेशंस मिले हैं रांझना के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि रांझना मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल फिल्म थी। बिंदिया जो किरदार मैंने प्ले किया था, बिंदिया का, वो मेरी शायद अब तक के करियर का सबसे फेवरेट किरदार है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि उसको सराहा गया है। स्क्रीन अवार्ड एक जूरी अवार्ड है इंडस्ट्री इनसाइडर्स का, जी अवार्ड एक पॉपुलर अवार्ड है ऑडियंस जिसमें वोट दे के देती है, तो मुझे दोनों मिल गए तो मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से अगर लोगों को काम पसंद आ रहा है तो एक आर्टिस्ट के लिए इससे बेहतर और क्या बात है। थोड़ा सा दर्शकों को ये बताइए, इतने कम समय में जो आपने ये सफलता जो हासिल की है, क्या मंत्र है, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए ताकि सभी लोग इस तरीके से। अरे बाप रे, मुझे लगता है कि जीवन में और इंडस्ट्री में तो पक्का कोई मंत्र नहीं होता है, कोई रूल नहीं होता है, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत, थोड़ी बहुत किस्मत, आपका स्किल है, और अगर आपका किस्मत आपके साथ है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, लेकिन अभी तक अच्छा रहा है और आशा करती हूँ कि आगे भी अच्छा ही अच्छा चलेगा। ऑल द लक, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थी स्वरा भास्कर। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है वो खत्म हो चुका है, कई सारे फिल्म मेकर्स ना सिर्फ भारत से बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पर शिरकत की, और हम यही दुआ करेंगे कि आगे भी ये लोग यहाँ पर आएँ और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल को चार चांद लगाएँ। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मुंबई से हृदय यादव।